आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर अधिशासी अभियंता संजीव कुमार सैनी प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद द्वारा तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रगान के साथ शुभारंभ किया गया। इस मौके पर एमडी गंगवार, एके अग्रवाल, प्रदीप कुमार व मोहम्मद हारून सहायक अभियंता, अरविंद कुमार, हरीश कुमार, अनित कुमार, दौलत सिंह, प्रवेश कुमार, नवीन कुमार, कमल, सीपी सिंह, सूबे सिंह, विशाल आजाद, राजकुमार, राजीव वर्मा, हरमेंद्र कुमार, कुलवंत सिंह, किशन कुमार, संजीव कुमार आदि, अवर अभियंता एवं संतोष कुमार, अरुण प्रताप, शमीम अहमद, पीयूष कुमार यादव, अनित कुमार एवं सोमपाल सैनी आदि ने स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर अपने अपने विचार रखे और फिर अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में ही फ्लैग मार्च करते हुए पीलीकोटी चौराहे से होते हुए पीएससी तरह लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य अभियंता कार्यालय तक अध्यक्षण अभियंता की अगुवाई में आजादी महोत्सव पर्व मनाने के लिए फ्लैग मार्च मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद कार्यालय पहुंचा और वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कविताएं, देशभक्ति गीत, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार उपाध्याय, सुरेंद्र सिंह, एसपी भटनागर, सचिन भटनागर, एमपी श्रीवास्तव व अन्य द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए एवं सुनील कुमार सागर अधिशासी अभियंता निर्माण खंड वन लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद द्वारा आजादी के पर्व में भाषण देते हुए हमें आजादी किस प्रकार प्राप्त हुई उस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया और अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अंत में ज्ञान गुप्ता अधीक्षण अभियंता मुरादाबाद व्रत लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद द्वारा देश प्रेम के प्रति अपने विचार रखते हुए कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया गया। प्रवीण कुमार अवर अभियंता ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया तथा वक्ताओं के माध्यम से देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं का बहुत सुंदर व्याख्यान किया। तो क्या करने जाएंगे 15वें 75वां आजादी का जो महोत्सव है सरकार के द्वारा जो निमित्त किया गया है अमृत महोत्सव, इसके द्वारा हमें हमारे अंदर जो खंड खंड होने वाली भावनाएं थी उनको जोड़ने का काम सरकार ने किया है। उसी के साथ हम जोड़ते हुए अपने पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी ये विश्वास दिलाते हैं सभी जनता को, सरकार को, कि जो खंड खंड होने वाली भावनाओं को जोड़ने में भी पीडब्ल्यूडी अपना हर तरह से न केवल अपने कार्यों के अलावा बल्कि बाहर भी जोड़ने का पूरा पूरा कार्य पूरे प्राणपण से काम। लोगों से मेरी यही अपील है कि सरकार के निमित्त जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके प्रति जागरूक रहें, सहभागिता रखें और सरकार के नुमाइंदे जो हम लोग हैं उनका पूर्ण हर तरीके से सहयोग करने के लिए, पारदर्शी तरीके से करने के लिए पूर्णतः तैयार है। परंतु उन्हें जागरूक रह के हमारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। सरकार के द्वारा जो भी विकास के कार्य चलाए जा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, उसके तहत हमें जो है आगे बढ़ना है और इस देश को मजबूती से एक नए शिखर पर पहुंचाना है। यही मैं सभी लोगों से अपेक्षा है कि वो अपने काम के प्रति ध्यान रहें और अच्छी मेहनत करके काम। पहले तो ये सभी कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो और 75वां स्वतंत्रता दिवस में जिस तरह से हमारा केंद्र नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व कार्य कर रहा है उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देश के विकास में योगदान करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे, अपेक्षा चाहेंगे लोगों से? जो अपेक्षा यही है कि सब जो हमारा देश का विकास चल रहा है उसी के अंदर हम लोग पूर्ण भागीदारी करके अपना पूर्ण सहयोग दें।